YouTube चैनल बी एल बिहारी ऑफिशियल मस्ती में आपका स्वागत है। मैं बी एल बिहारी तो फिर एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेके आ चुके हैं निर्मली और गौड़िया रेलखंड के बीच से, जहां अभी हम बेलही और परसा बसवारी के बीच में हम खड़े हैं। बीच के लिए लाइन है, वहां हम खड़े हैं। जैसे कि मानिए कि इधर हो गया आपका निर्मली रेलवे स्टेशन और इधर हो गया आपका परसा बसवारी हाल्ट, तो यहाँ से कुछ ही दूरी आगे परसा बसवारी हाल्ट है और यहाँ से कुछ दूर आगे निर्मली रेलवे स्टेशन है। तो इसके बीच में अभी हम खड़े हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यह रेल गार्ड जो आप देख सकते हैं सामने मुझे लगा हुआ है। अब इसमें हम काम करेंगे और इसे पेंट करेंगे। तो यहाँ हम आए हुए थे तो सोचे कि यहाँ का भी एक वीडियो हम बना लेते हैं और यहाँ पर क्या सब काम किया गया है, तो हम आपको यही हम सोच कर हम दिखाने के लिए हम बनाए हैं। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर कि रेल लाइन जो है यह बिल्कुल तैयार हो चुका है, कम्प्लीट हो चुका है, फिर भी अभी तक ट्रेन नहीं चलाया जा रहा है, क्योंकि इसमें तो कुछ बात तो है, इसलिए यहाँ पर अभी तक चलाया नहीं गया है ट्रेन को, क्योंकि सभी कंप्लीट हो चुका है। अब जो निर्मली से तमरे तक जो रेल लाइन है उसमें अभी सीआरएस बाकी है, तो ऐसा सूचना दिया गया है कि फरवरी के अंतिम महीना तक सीआरएस कंप्लीट कर लिया जाएगा। अप्रैल मई तक ट्रेन संभव है कि चलाई जा सकती है, कन्फर्म नहीं है कि चलाई जाएगी लेकिन संभावना है कि चलाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे देखिए वीडियो में क्या सब काम किया गया है। और यह घोड़िया और निर्मली रेलखंड के बीच की यह 40 नंबर पुल है, जहां अभी संपूर्ण हम आपको आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि यहां पर क्या काम हुआ है और सीआरएस के लिए यहां पर क्या सब तैयारी हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो को आप शुरू से अभी देखिए। अगर आप नए आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल बी एल बी आर ऑफिशियल मस्ती पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए आगे हम आपको दिखाते हैं हर एक लोकेशन। तो यह देख सकते हैं इधर हो गया आपका परसा बसवारी हाल्ट और यह हो गया आरसीसी पुल जो कि निर्मली और किसनी पट्टी को जोड़ती है, और इधर हो गया आपका निर्मली रेलवे स्टेशन। तो हम बढ़ते हैं निर्मली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 40 नंबर का जो पुल रेल गार्ड आप देख सकते हैं बीच में लगा हुआ है दोनों रेल के बीच में। तो अभी हम अब इसमें पेंटिंग के काम करेंगे और इसमें व्हाइट और ब्लैक कलर से पेंट हम करेंगे। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर रेल लाइन जो है वह संपूर्ण तैयार हो चुका है, अब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह कठिनाई नहीं है, फिर भी ट्रेन नहीं चलाई जा रही है। आखिर कारण क्या है, वजह क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत ही यहां पर संपूर्ण जो काम है वह हो चुका है और यहां के जो स्थानीय निवासी है वह बहुत ही दुविधा में है कि कब ट्रेन चलेंगे और कब ट्रेन पर चढ़ने की मौका मिलेंगे। इसी के लिए यहाँ पर सभी गुमदुम में पड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तक निर्मली टू तमरिया तक सीआरएस नहीं किया गया है। आखिर जो जनवरी में सीआरएस होना था वह अभी तक नहीं किया गया है, आखिर इतना टाइम क्यों लगा है सीआरएस होने में। तो चलिए आगे हम आपको और दिखाते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर देख सकते हैं सीआरएस के लिए जो नीचे में कर्नल है और कर्नल के नीचे में जो पत्थर डाला गया है इसका भी सीआरएस होता है, और रेलवे लाइन के साथ साथ जितना रेलवे में लगा हुआ सामान है सबका सीआरएस होता है। तो संपूर्ण यहाँ देख सकते हैं सभी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, फिर भी सीआरएस नहीं किया गया है। तो बहुत ही यहाँ पर पूछा था कि भाई सीआरएस कब होगा, तो अभी हम भी नहीं बता सकते कब सीआरएस होगा, लेकिन पेपर में दिया हुआ था कि फरवरी में लास्ट महीना तक सीआरएस कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि अभी बिहारीगंज का भी सीआरएस नहीं किया गया है। तो बिहारीगंज में भी ऐसा ही डेट आता है फिर जाता है, डेट 28 का था लेकिन 28 को भी सीआरएस नहीं किया गया है, अब 31 को होगा, अब 31 को भी सीआरएस देखा जाए कि क्या होता है, 31 तारीख को सीआरएस होता है कि नहीं बिहारीगंज में। तो चलिए आगे यह खबर कैसा लगा आप कमेंट में बस बताइएगा। तो मैं बीएल बिहारी विदा लेते हैं इस वीडियो से।